नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, जहां निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने पर सुनवाई, जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल, लॉकडाउन के पहले तय ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे स्कूल। निजी स्कूलों ने अन्य चार्ज वसूलने की भी मांग रखी थी। अन्य चार्ज वसूलने पर याचिकाकर्ताओं ने दर्ज की थी आपत्ति। 10 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो फिलहाल ट्यूशन फीस ही वसूल पाएंगे स्कूल, क्योंकि अभिभावकों ने इस पर एतराज जताया था, इसको लेकर याचिका लगाई गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज से होता अरविंद दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, फिलहाल जो फैसला आया है कि ट्यूशन फीस ही वसूल पाएंगे स्कूल, ऐसे अगली सुनवाई कब तक होगी और क्या क्या मांगे अभिभावकों की तरफ से, क्या क्या जो याचिका लगाई गई थी उसमें पॉइंट्स दिए गए थे अभिभावकों द्वारा? देखिए, मामला लगभग 2 महीने से अदालत में चल रहा है और इसमें ये था कि कोरोना काल जब से प्रारंभ हुआ, 24 मार्च के बाद से लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से स्कूल बंद है, पढ़ाई बंद है, लाने ले आने की व्यवस्थाएं तमाम बंद है। अभिभावकों की मांग ये है कि इस दौरान जो भी स्कूल फीस वसूली जा रही है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ने ही नहीं गए तो फिर स्कूल देने का सवाल ही नहीं उठता है। इसमें कुछ और भी पॉइंट थे, वो लंबे डिस्कशन पर आए थे, लेकिन मूल जो मामला था वो यही था। और इस पर इसी समय राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया था और निजी स्कूलों से कहा था कि वे ट्यूशन फीस वसूल लें, बाकी फीस छोड़ दें। इस पर भी अभिभावकों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था हाईकोर्ट के सामने और फिर बाद में राज्य सरकार ने अपना उस आदेश को वापस जरूर ले लिया था। अब हाईकोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई, आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की पूरी सुनवाई हुई, तो हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए कहा है कि वे ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं, पहली बात। दूसरा, उन्होंने एक आदेश ये दिया है कि जो कोरोना काल जिसको हम मानते हैं, 20 मार्च के बाद से जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से अनलॉक 1 तक की स्थिति तक की जो ट्यूशन फीस और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं वो भी वे वसूल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब सामान्य रूप से स्कूलों की पढ़ाई प्रारंभ होगी, स्थिति सामान्य होगी, तब सभी निजी स्कूल ये जो लॉकडाउन की अवधि के जितने भी पेमेंट्स हैं वो अभिभावकों से बच्चों के नाम पर वो ले सकते हैं। और अब इस पूरे मामले पर 10 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, क्योंकि जब अदालत ने ये आदेश इस तरह के दिए तो अभिभावकों के वकीलों ने इस पर जमकर विरोध जताया और कहा कि ऐसे में मनमानी तरीके से फीस वसूली करने के लिए एक बार फिर निजी स्कूल तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या ट्यूशन फीस का जो फैसला सुनाया गया है उसमें भी कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, उसको लेकर भी कोई दिशा निर्देश है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सख्त दिशा निर्देश ये है कि लॉकडाउन लगने के पहले जो ट्यूशन फीस जिस स्टैंडर्ड पर भी फिक्स रही है, वही ट्यूशन फीस जब ये अनलॉक 1 जब पोजिशन होगी, सामान्य स्थितियां होंगी, तब जो वसूली की जाएगी तो वो उसी आधार पर होगी। 1 रुपए की वृद्धि भी नहीं कर सकते हैं निजी स्कूल और ना ही कोई एक्स्ट्रा फंड उसमें जोड़कर वसूली कर सकते हैं। तो इस शर्त के साथ अनुमति दी गई है कि ट्यूशन फीस वसूली जा सकती है, लेकिन 10 सितंबर को चूंकि इस मामले की फिर से सुनवाई है और इसमें ट्यूशन फीस कितनी पे करना है, क्या इसको लेकर कोई आदेश नहीं है, क्या कोई नियम नहीं है, क्या हर स्कूल अपने मनमर्जी के मुताबिक ट्यूशन फीस ले सकता है, या फिर फीस में भी एक निर्धारित सीमा रखी गई है कि इतने ही हर स्कूल से वसूले जाएंगे पैसे? देखिए, प्रदेश में 3 स्टैंडर्ड पर बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। सबसे पहला स्टैंडर्ड है सरकारी स्कूलों का, दूसरा है CBSE और तीसरा है CBSE। इन 3 पैटर्न पर 3 बोर्ड के द्वारा पढ़ाई दी जाती है और इनके द्वारा ट्यूशन फीस फिक्स की गई है निजी स्कूलों की। तो जो ट्यूशन फीस पहले से फिक्स चली आ रही है उसी के आधार पर वे जब सामान्य परिस्थितियां होंगी, सामान्य पढ़ाई शुरू होगी, तब वो फीस वसूली जा सकती है। उस ट्यूशन फीस में 1 रुपए की भी वृद्धि को हाईकोर्ट स्वीकार नहीं करेगा, ये सख्त आदेश। लेकिन अभिभावकों की चिंता अभी बनी हुई है, 10 सितंबर को अभिभावकों की शिकायतों पर सुनवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय दें। इस तरह की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।